सो गाइज आज मैं आपको सिखाऊंगा अपने जैसा थंबनेल बनाना, मैं कैसे आखिर फुल एचडी थंबनेल बनाता हूँ, और वो भी केवल एक ऐप से, दूसरे ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दूसरा ऐप इंस्टॉल ही नहीं करना पड़ेगा। मैं किससे बनाता हूँ, उसका नाम है पिक्सआर्ट, बस एक की जरूरत पड़ेगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि पीछे का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करता है। देखो पिक्सआर्ट से भी हो जाता है, लेकिन बहुत हार्ड होता है पिक्सआर्ट से रिमूव करना। मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है, मेरे पास तो नहीं है, जिसकी भी है भाई, देखो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर आप वहां पर जाकर केवल आपको 5 या 10 सेकंड लगेंगे, अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो केवल 5 या 10 सेकंड लगेंगे, पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा भाई, केवल फोटो का वीडियो का नहीं होएगा, ठीक है। वो वेबसाइट के बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे थंबनेल बनाता हूं। थंबनेल के लिए जो सामग्री, जो सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे बाहर स्मार्टफोन लगाना हुआ, कुछ बैकग्राउंड के लिए वॉलपेपर लेना हुआ, वो कहां से लेता हूं? अगर आप किसी का गूगल से उठाकर सर्च करके अपने थंबनेल में डाल देते हो ना, तो भाई वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि ऑलरेडी पड़ी हुई है भाई के पास स्ट्राइक, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना। मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दूं, वेबसाइट का नाम है पिक्सबे, वहां से आप कोई भी पिक्चर ले सकते हो, आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, वो वेबसाइट इसीलिए बनी है। आप वहां से कुछ भी सामग्री लो और अपने थंबनेल या वीडियो में यूज कर सकते हो, आपको कोई स्ट्राइक नहीं दे सकता। तो यार सुनो, अब मैं आपको, देखो आपने वीडियो के बाद थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में एक छोटा सा स्मार्टफोन बन रहा था, वो भी मैंने पिक्सबे से ही उठाया। आप भी वहां से जाकर सर्च करो, जो भी आपको चाहिए आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यार अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। नहीं नहीं यार, अभी तो मेरा नाम सुन लीजिए, मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं जुन्नू की टेक यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर घूमते फिरते कहीं से आ गए हो ना, तो यार सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब को तोड़ दो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो यार चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो यार आप भाई को फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आके फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सो गाइज, अब यहाँ पर हम पिक्सआर्ट में आ चुके हैं, और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जब आप थंबनेल बनाते होते हैं तो सबसे पहले आप एक काम जरूर कर ले, अपना फ्लाइट मोड पे फोन जरूर लगा ले, क्योंकि अगर बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है ना, तो आप डिस्टर्ब हो ही जाते हो पूरे अच्छी तरीके से। मैंने बैकग्राउंड में ब्लैक वॉलपेपर लिया हुआ है, अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा मैंने बनाया हुआ है मैं वैसा ही कोशिश करूंगा, बिल्कुल एकदम 3D में ही बनाकर आपको दिखा दूं आपको, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बना के दिखाता, मैं आपको कोई नया सा अच्छा सा तरीके से आपको मैं बनाकर दिखाता हूं। आपको यहां पर जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में आप जाओगे तो आप बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं यहां पर फोटोज, देख सकते हो। यहां पर मैंने काफी सारे कलर लिए हुए हैं, अब मैं इनको यूज करता हूं, ठीक है। जो पीछे लेता हूं बैकग्राउंड में, तो यही कलर लेता हूं। अब मुझे सपोज करो ये वाला कलर लेना है, यहां से मैं ऐड पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर इसको मैं 3D में कैसे बना के दिखाऊंगा, देखो मैंने इसको पूरा ऐसे करके बड़ा किया और उसको थोड़ा ऐसे कर लिया, बहुत ही ज्यादा इजी है, आप एक बार सीख लीजिए अच्छे से, खुद ही समझ जाओगे। अब आपने यहां पर इसको ऐसे करके ले लिया, ठीक है। अब इस पर टेक्स्ट आपको कैसे लिखना है, जो एकदम गजब का सुपर सा और अट्रैक्टिव लगे, यहां पर आपको इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में आप जब जाओगे यहां पर मैं लिखता हूं 3D थंबनेल। अब मैंने यहाँ पर 3D थंबनेल लिख लिया, अब आपको फ़ॉन्ट कौन सा लेना है, आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट बिल्कुल एकदम नॉर्मल, आप ज़्यादा जय वाला ऐसे ऐसे लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल नॉर्मल लेना है। और हिंदी के लिए कौन सा लेना है वो भी बताऊंगा, जो अट्रैक्टिव दिखे। अब जैसे ही आप इसको लेते हो, ऐसे आप इसको थोड़ा बड़ा करोगे, बड़ा करने के बाद आप इसको ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाने के बाद देखो आप देख सकते हो बिल्कुल सेट आया है। अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा ना, अब इसको अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रोक दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रोक पर आप क्लिक करेंगे और स्ट्रोक करोगे केवल 5 या 6, ठीक है। अब यहाँ से आपको 5 या 6 सिलेक्ट कर लेना है, ये 7 कर लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है। अब आपको नीचे जाना है, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर शेडो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, शेडो पर आपको क्लिक करना है। शेडो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, कलर, पोजीशन, ओपेसिटी या ब्लर। अब आपको इनमें से थोड़ा ध्यान से करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको कैपेसिटी सिलेक्ट, ओपेसिटी सिलेक्ट कर लेना, ओपेसिटी आपको फुल कर देनी है बिल्कुल। देखो फुल करने से क्या हुआ, पीछे की शेडो आप देख सकते हो क्या मस्त लग रही है, एकदम अट्रैक्टिव दिख रही है। कोई सबसे छोटा थंबनेल भी देखेगा ना सर्च रिजल्ट में, सबसे अलग दिखेगा। और अगर आप इसके कलर को, जो ये कलर है इसका, यहाँ से कलर को आप अगर थोड़ा सा येलो कर दो तो यार इतना गजब दिखेगा ना, आप बस एकदम गजब का दिखेगा। यहाँ पर देखो आप ऐसा कर दोगे तो कोई छोटा सा भी देखेगा ना आपकी वीडियो पे, तुरंत आपकी वीडियो पकड़ लेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका होगा। और यहाँ पर देखो मैं शेडो में एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर एक ब्लर का ऑप्शन आता है, ब्लर को अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। मेरे हिसाब से आपको ब्लर को बस यहाँ तक रखना है, 15 तक, बस 15 मैक्सिमम है, बस इसको यहीं पर रखना है। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर
राइट के निशान पे क्लिक किया। अब ये देखो आपका यहाँ तक रेडी हो चुका। अब आगे का प्रोसेस बताता हूँ क्या है, मैं फोटो कैसे लगाता हूँ। अब आपने 3D थंबनेल तो देख लिया, अब आप ऐसे करके जैसा भी आप बनाना चाहते हो ऐसे ही बना सकते हो। अब मैं नीचे आपको हिंदी वाला फ़ॉन्ट आपको कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको यहाँ से अपना हिंदी कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर मेरा कैसे ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। अब आपको दिख रहा होगा बहुत बेकार सा दिख रहा है, इसको अच्छा करने के लिए आपको कौन सा फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से ऊपर से 4th नंबर पर पिक्सआर्ट में आपको एक फ़ॉन्ट मिल जाएगा, ये वाला, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता जाएगा। अब आप इसको ऐसे करके यहाँ पर रखोगे, देखो और फ़ॉन्ट देख सकते हो बारीक हो जाता है, ये वाला रखोगे थोड़ा बोल्ड रहेगा। आप इसको यहाँ पर रख दे दो कैसे बनाएं। अब बनाएं तो आपने लिख लिया लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आप इसका क्वेश्चन मार्क लगा दोगे ना तो ये बहुत मैटर करता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो बंदा ज़रूर से ही क्लिक करेगा, उससे आपका एकदम थंबनेल अट्रैक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन मार्क का आपको पता ही होगा क्या मतलब होता है। आपने यहां पर रख दिया है, बस आपको ब्लैक पे व्हाइट रखोगे आपको पता है एकदम सबसे अलग ही दिखेगा। कोई बंदा काला होता है और उसके दांत अगर आप व्हाइट देख लोगे तो सबसे अलग ही दिखेगा। ऐसे आपको ब्लैक पे व्हाइट रखना है, व्हाइट रखने के बाद आप इसको सेट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं फोटो में कैसे लगाता हूं, इसके बाद मैं फोटो लगाकर आपको दिखाता हूं। ऐड फोटो पर आपको क्लिक करना है, ऐड फोटो पर। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, आपको मैं पहले ही बता दूँ मैंने अपना जो फोटो है ना वो इरेज करके रखा हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कैसे रिमूव होता है। अब ये देखो मैंने यहाँ से फोटो सिलेक्ट किया, ये दूसरा करता हूँ, ये वाला ही कर लेता हूँ, यहाँ से ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इसको ऐसे किया थोड़ा बटर, थोड़ा ऐसे करके रोटेट किया हल्का सा। अब यहाँ पर मैंने इसको रख लिया और नीचे से ध्यान रहे बिल्कुल एकदम परफेक्ट आना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी गलत होगा ना तो थंबनेल बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, अगर आपका ही काम अच्छा नहीं होगा तो कैसे अच्छा लगेगा। अब मैंने इसको रखा, अगर आप इसके चारों तरफ जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं इसके चारों तरफ बोल्ड कर देते हैं, इसके चारों तरफ व्हाइट पट्टी आ जाती है, तो वो यहाँ से होती है। बॉर्डर पर आप क्लिक करोगे, बॉर्डर पर करने के बाद आप इसको बारीक सा कर सकते हो 2 या 3 पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चारों तरफ व्हाइट सी पट्टी आ गई, ऐसे कर सकते हो आप, स्ट्रोक बोलते हैं इसको, बॉर्डर बोलते हैं, जो भी आप कहो वही सही है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना, यहाँ तक हमारा थंबनेल कंप्लीट हो गया। अब आगे तो सिंपल सा प्रोसेस है कैसे बनाए, बनाए लिखना है आपको ब्लैक के ऊपर, अगर आप ग्रीन कलर लगाओगे मैं आपको दिखाता हूँ कितना अट्रैक्टिव दिखता है। अब मैंने लिख लिया यहां पर फोन से, अब आपको वही वाला यहां पर टेक्स्ट लेना है, फॉन्ट लेना है। फॉन्ट लेने के बाद आपको उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, नीचे रखोगे। अब आपको ग्रीन कलर कहाँ से लेना है मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप कलर पर सिलेक्ट करते हो, कलर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर सर्कल दिख रहा होगा बहुत सारे कलर का, यहाँ पर क्लिक करना है और ऊपर आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन जो डार्क से एकदम आँख पे लगे, मतलब कैच कर ले एकदम बंदा, ठीक है। अब उसको देखो यहाँ पर आप इसको जितना छोटा करोगे ना आप उतना ही छोटा करके आप इसको जैसे आप रखना चाहो ऐसे रख सकते हो, बिल्कुल सेट करके। आपने मेरा भी थंबनेल देखा ही होगा, और हाँ एक बात बता दूँ लेकिन अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा अभी है, आप इसको फ़ोन से को यहाँ पर सकते हो। और इसके आगे हमें फोन लगाना है, फोन कैसे लगाएंगे अब वो देख लीजिए। फोन लगाने के लिए आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है, ऐड फोटो पर क्लिक करके मैंने वहां से पिक्सबे वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया हुआ है, वहां से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये देखो आप यहां से मैंने सिलेक्ट किया, ऐड पर क्लिक किया, ऐड पर क्लिक करने के बाद ये मैंने यहां पर फोन लगा दिया। बस इतना आसान है मुन्ना, आप ऐसे कर सकते हो, बहुत हार्ड नहीं है कुछ भी, एक बार समझ में आ जाएगा, 2-3 बार थंबनेल बनाओगे तो खुद ही आप सीख जाओगे। अब सुन लीजिए कि आपको बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, जो आप थंबनेल में फोटो यूज करते हो ऐसे ऐसे करके, अब उसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है। देखो बस केवल आपको चुनक मुन्नक सा यूट्यूब पर सर्च करना होगा हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड 5 सेकेंड, बस आपको जो भी टॉप पे वीडियो मिलेगी एक आधी वीडियो देखो, वेबसाइट का लिंक किसी ने दिया होगा, वेबसाइट पर जाओ और फोटो अपलोड करो, फोटो अपलोड करने के बाद वो इरेज कर देगा, और उसके बाद डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकता मुन्ना, क्या पता वो मुझे स्ट्राइक दे दे, यार डर लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। YouTube पर जाके सर्च करो हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड 5 सेकंड, तो आप भी आसानी से कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, थंबनेल कैसा लगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो यार नीचे कमेंट करके बताओ, आज तक ऐसा थंबनेल बनाना किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।